अब नेक्स्ट है, अब जब तुम रॉड को मूव करवा रहे हो उसमें करंट पैदा हो रहा है, वो सर्किट की रेजिस्टेंस में से निकल के जाएगा तो उसमें हीटिंग अफेक्ट हो जाएगा I²RT। तो हीट की फॉर्म में पावर कितनी जनरेट होगी, जूल्स हीटिंग बोलते हैं, I²R। कितना करंट पैदा हुआ, BLV/R का स्क्वायर इंटू आर। इन्हें सॉल्व करके जूल्स हीटिंग की पावर क्या आ गई, B²L²V²R। अब नोट करने वाली बात यह है, जब तुमने रॉड को खींचा तुमने कितनी पावर लगाई, इतनी, और हीट की फॉर्म में भी पावर डिसिपेट कितनी होगी, इतनी। तो यानी कि पावर जो तुमने लगाई और जो हीट ने लगाई वो एकदम सेम है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो तुमने पी पावर लगाई वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में लगाई, उसने क्या किया, वो जो पावर है वो जूल्स की फॉर्म में बाहर आ रही है, कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई करंट की फॉर्म में बाहर आ रही है, एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। तभी तो पावर एकदम बराबर आ रही है। जो तुम पावर लगा रहे हो उतने अमाउंट ऑफ करंट डेवलप हो रहा है और उतनी अमाउंट ऑफ हीट भी डेवलप हो रही है, तुम्हारी सारी पावर हीट की फॉर्म में बाहर निकलती जाएगी। यह एनर्जी कंजर्वेशन।